नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गुजरात चुनाव में मतदान का पहला चरण पूरा हो चुका है। करीब 68% मतदान हुआ है। क्या संकेत दे रहा है ये मतदान प्रतिशत? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? जानकार मानते हैं कि इस चरण में जिसने बढ़त बना ली वही बनेगा सरकार। तो किसके पास होगा ये मौका? सवाल इसलिए क्योंकि 22 सालों में इस बार शायद पहली बार है जब बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिली है। तो पहले चरण के मतदान के बाद सबसे सटीक एनालिसिस लेकर हम हाजिर हैं डायलॉग विद जेसी में। और हमारे साथ जी हिंदुस्तान और जी रीजनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र जी मौजूद है, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है यहां पर कि जिस तरह से पहले चरण में गुजरात की 89 सीटों पर 68% मतदान हुआ है, जगदीश जी, इसका रियल मैसेज आपको क्या कुछ लगता है? इसका रियल मैसेज एक ही है कि गुजरात में चुनाव है इस बार। केक वोक नहीं है, वन वे नहीं है, कंटेस्ट है। वहां पे नरेंद्र मोदी के जीवन का टफेस्ट इलेक्शन वो इसमें लड़ रहे हैं। पुनर्जीवित कांग्रेस और वहाँ के जो बागी नौजवान हैं उनसे उनका सामना है, उनसे उनका मुकाबला है। अब ये देखने की बात है कि 18 तारीख को जो परिणाम निकलते हैं तो क्या होता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है। तो पहले चरण में जो मतदान हुआ है जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया है। किसके फेवर में दिया है इसके अलग अलग दावे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी जीत माना है और गुजरात की जनता को थैंक यू कहा है। अरुण जेटली ने कहा है कि हमने इलेक्शन को स्वीप कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अहमद पटेल ने, जो आमतौर पे कोई भाषण नहीं देते, दावा नहीं करते, बड़ी संजीदगी से कहा है कि क्लीन स्वीप हमारी है, 110 सीटों पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन चुनावी एजेंसियों ने इस बार भविष्यवाणियां की हैं उसमें एक एजेंसी ऐसी है जिसने हिमाचल में भाजपा की जीत बताई है, लेकिन गुजरात में वो एजेंसी कांग्रेस की जीत बता रही है और कह रही है, अहमद पटेल के दावे को पुष्ट कर रही है कि वहाँ 110 सीट के साथ कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो अब ये देखिए इसका एक्चुअल नतीजा, एक्चुअल परिणाम जो है वो 18 तारीख को मालूम पड़ेगा। दैट्स ऑल। बिल्कुल जगदीश, एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली पहले चरण को लेकर। अमित शाह का जो बूथ प्रबंधन है और वोटर को बूथ तक लाने की ये पूरी जो रणनीति रही, आपके लिहाज से ये कितनी कामयाब साबित हुई? भाजपा की रणनीति दो बिंदुओं पर केंद्रित है और केंद्रित थी। पहला नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा अमित शाह का बूथ मैनेजमेंट। अमित शाह ने 50,000 बूथ पे अपना मैनेजमेंट किया, हर बूथ पे 30 वर्कर को अपॉइंट किया। उनका दावा है कि हमारा बूथ मैनेजमेंट सक्सेस रहा है, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो सिस्टम सक्सेस रहा है और इसका परिणाम 18 तारीख को जनता के सामने आएगा। लेकिन ये सच है कि बूथ मैनेजमेंट के मास्टर हैं अमित शाह, और अगर किसी कारण से कांग्रेस हारी, जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस हार रही है, तो उसका एक कारण यह होगा कि अमित शाह के मुकाबले कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पे नहीं कर पाई। अब अमित शाह का बूथ मैनेजमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं, इसकी जानकारी, इसका परिणाम 18 तारीख को मालूम पड़ेगा। जगदीश जी, जब भी चुनावी माहौल सामने आता है तो जाहिर सी बात है एक तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिलता है, और अगर बात गुजरात की यहां पर हम कर रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा, तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिला, लेकिन किसी तरह की कोई हिंसा की घटना यहां पर ना सुनने को मिली, देखने को मिली, इसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं? The entire credit goes to Election Commission and the local government in Ahmedabad. Election Commission ने इतने अच्छे इंतजाम किए और गुजरात के DGP, Chief Secretary, पुलिस ऑफिसर्स ने, कलेक्टर्स ने इतना अच्छा इंतजाम किया कि छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के वहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके लिए निश्चित तौर पर गुजरात सरकार और चुनाव आयोग की तारीफ की जानी चाहिए। जगदीश जी, मोदी और शाह की जोड़ी का मैजिक वक्त वक्त पर देखने को मिलता रहा है, आपको लगता है कि गुजरात में मोदी शाह फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या फिर आपको लगता है कि जो 22 साल का सूखा कांग्रेस के सत्ता को लेकर चल रहा है वो दोबारा से लौटकर सामने आ पाएगा? एक्चुअली मोदी इज ए गेम चेंजर, इसीलिए आज हेडलाइन चल रही थी कि जादूगर मोदी ने बदल दी चुनाव की फिजा, बदल दिया गुजरात का चुनाव का गेम। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे आज जितने सर्वे हुए हैं और आम धारणा पूरे देश में है, उसे माना जा रहा है कि भाजपा चाहे कम बहुमत रहे उसके पास, लेकिन गुजरात में वो सरकार बनाने जा रही है, ये एक आम परसेप्शन है। अब बाकी 18 तारीख को मालूम पड़ेगा, तभी इसकी निश्चित व्याख्या और मूल्यांकन हो सकेगा। बिल्कुल, आपने सर्वे का जिक्र यहां पर किया है, इसलिए इस सवाल का भी विश्लेषण हम आपसे जरूर चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले का जो संकेत देने वाले ओपिनियन पोल सामने आए हैं, आखिर इतने आत्मविश्वास में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह फिर भी नजर आते हैं, क्यों?
जहां तक ओपिनियन पोल्स का प्रश्न है और सट्टा बाजार का सवाल है, इन दोनों सेक्टर्स में इस बात पे आम सहमति है कि भाजपा वहां सरकार बनाने जा रही है। और एबीपी का जो पोल आया था उसमें भी कम से कम ये कहा उन्होंने कि 95-85, तो 95 वो लोग भी मानते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी सूरत में, खराब स्थिति में भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी वहां होने वाली है। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो सरकार बनाने का पहला मौका उसे मिलेगा। और अगर ऐसी स्थिति भी आई तो आप अमित शाह की जोड़ तोड़ को जानते हैं, उनके स्किल और मैनेजमेंट को जानते हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, ये आम तौर पे माना जा रहा है। तो दोनों सर्वे में एक बात पे सहमति है कि भाजपा ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। और लोगों का मानना है कि भाजपा वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में है। अलबत्ता बात दूसरी है कि 117 से कम सीटें आएंगी, जो सीटिंग आंकड़ा है 117 का, उसको भाजपा पार नहीं कर पाएगी ऐसा लगता है, उससे कम आएंगी। कितनी कम आएंगी इसका तो परिणाम के दिन ही पता लगेगा। जगदीश जी, नोटबंदी और जीएसटी के बाद गुजरात विधानसभा के जो ये चुनाव यहाँ पर सामने आए, इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा भी जा रहा था। क्या सूरत में भी मोदी के गुजराती अस्मिता और गौरव के मुद्दों पर आपको लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे भारी रहने वाले हैं? हो सकता है, क्यों, सूरत में काफी बड़ा व्यापारी वर्ग है, 85,000 व्यापारी वहां पे हैं, 5 लाख सीधे सीधे लोग प्रभावित होते हैं, इनडायरेक्टली 20 लाख और प्रभावित होते हैं, कुल 25 लाख जनता वहां की उद्योग धंधों से, जीएसटी से, नोटबंदी से प्रभावित हुई है। वहां के लोगों में थोड़ा नाराजगी है। अब देखने की बात यह कि कितनी नाराजगी है और क्या वो नाराजगी इतनी है कि बीजेपी की जो पोल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको चेंज कर दे। लेकिन एक बात आज सामने आई है कि सौराष्ट्र में कांग्रेस को वोट पड़ा है, बीजेपी का वोट कुछ घटा है, तो कहा जा सकता है कि सूरत में कुछ न कुछ नाराजगी है और इसका परिणाम पे, भाजपा के परिणाम पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि नाराजगी है, लेकिन ये कितनी नाराजगी है ये यहाँ पर जरूर सामने आएगा और 18 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि सूरत की अगर हम बात करते हैं जगदीश जी, तो एक खास फोकस यहाँ पर नरेंद्र मोदी का देखने को मिला, अमित शाह का देखने को मिला, क्या लगता है आपको, क्यों आखिर देश की सारी कैबिनेट सूरत में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच गई? एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 15 दिन से सूरत देश की राजधानी बन गई है। जितने भाजपा शासित राज्य सबके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री सब सूरत में डेरा डाले हुए थे। खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह सूरत जा रहे हैं, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी सूरत जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूरत देश की राजधानी बन गया था कुछ दिनों के लिए। और रही बात सूरत के मतदान की, तो मतदान वहाँ अच्छा हुआ है। अब जिस दिन गिनती होगी उससे पता लगेगा कि सूरत में ये जो फोकस हुआ था, जो कॉरपोरेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतने लोगों को झोंकते हैं वहाँ पे, वो जो फोकस उन्होंने किया, एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन वो किया सूरत में, उसका क्या परिणाम है ये चुनाव परिणाम के नतीजों से ही इसका आभास होगा। तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी ये मालूम चल पाएगा कि आखिर जो फोकस यहाँ पर सूरत पर खासतौर से किया गया उसका कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे जगदीश जी, हार्दिक अल्पेश और जिग्नेश की बात करें तो एक सीधे तौर पर बीजेपी को फटका देने का सपना लगातार सामने आता रहा, आपको लगता है कि उनका ये सपना यहाँ पर पूरा हो पाएगा? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या वो भाजपा को हरा पाएंगे। इन तीनों के हमले के सामने नरेंद्र मोदी अकेले खड़े हुए हैं, 56 इंच की छाती लेके, सीना लेके वो खड़े हुए हैं, अकेले उनके सब हमलों का वो सामना कर रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है अपेरेंटली कि फटका देने की स्थिति में ये तीनों नेताओं ने होंगे। लेकिन अगर कोई चमत्कार हुआ तो फिर तो कहना पड़ेगा कि इन्होंने फटका दे दिया है, पर अपेरेंटली ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गुजरात की आन बान शान नरेंद्र मोदी हैं, आज भी जनता उनको सुन रही है, उनकी आवाज़ में हुंकार है, ललकार है, एक बुलंदी है, तो ऐसा लग नहीं रहा। और गुजरात अस्मिता का जो प्रश्न उठाया है मोदी ने वापस नए सिरे से, कुल मिला के नहीं कहा जा सकता, और बल्कि यूं कहें कि यह कहा जा सकता है कि फटका लगने की स्थिति तो नहीं दिखाई देती है। तो फटका लगने की स्थिति फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि बहुत जल्द साफ हो जाएगा जब नतीजे लगातार सामने आएंगे और काउंटिंग वाले दिन पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे जगदीश जी, क्योंकि चुनावी माहौल होता है तो तमाम तरह की बयानबाजी, भाषणबाजी सामने आती है और लाजमी भी है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जिनका जो बयान सामने आया पीएम मोदी को लेकर, आपको लगता है कि उनका ये जो बयान है बीजेपी के लिए मणि और कांग्रेस के लिए शंकर साबित हो सकता है, या फिर कांग्रेस को आप कितना नुकसान उनके इस बयान से देखते हैं? कांग्रेस को निश्चित तौर पर मणिशंकर के इस बयान से नुकसान हुआ है, उनके बड़बोलेपन से, उनकी निराशा से, उनकी कुंठा से। अब कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मोदी बहुत स्मार्ट ऑपरेटर हैं, आप जानते हैं सब। 7 मिनट के अंदर उन्होंने, मणिशंकर के बयान के 7 मिनट के अंदर उन्हें इसको मुद्दा बना दिया पूरे देश में, और पिछले
12 वर्षों के अंदर कांग्रेस के 12 नेताओं ने जो जो मोदी के खिलाफ कहा, किसी ने नीच कहा, किसी ने बंदर कहा, किसी ने हिटलर कहा, किसी ने मुसोलिनी कहा, उन सबको सूचीबद्ध करके पूरा पुराण खोल दिया नरेंद्र मोदी ने उसका, और सारे देश की जनता को, गुजरात की जनता को बताया कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। और एक बार फिर से बहुत सफल ढंग से उन्होंने गुजरात अस्मिता के मुद्दे को, गुजरात गौरव के मुद्दे को उठा दिया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे नुकसान है। अब कितना नुकसान है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। जगदीश जी, पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली, अमित शाह की चाणक्य रणनीति भी लगातार देखने को मिली, लेकिन अगर इस बीच सिर्फ सीएम विजय रूपाणी का जिक्र करें तो उनके व्यक्तित्व को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या सचमुच आपको लगता है कि गुजरात चुनाव सीएम विजय रूपाणी हार रहे हैं? लगातार रिपोर्ट्स आती रही वहां से, पश्चिम क्षेत्र से, वहां से कि वो चुनाव हार सकते हैं। काफी समय से बात चल रही, उनकी पत्नी ने वहां कमान संभाल रखी थी चुनाव की, क्योंकि बिजी थे पूरी स्टेट में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजय रूपाणी चुनाव हार जाएंगे। आज वो बड़े आत्मविश्वास में थे और उन्होंने कहा कि हम स्वीप कर रहे हैं, मैं भी जीत रहा हूँ, हारने का कोई प्रश्न नहीं है। उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मुझे इंडिविजुअली नहीं लगता कि वो चुनाव हार रहे हैं। और दूसरी एक खास बात यह कि आज जो पोलिंग हुआ है, वोटिंग हुआ है, वो 68% हुआ है। इससे पहले 212 में पिछले चुनाव में 70% पोल हुआ था। तो सवाल ये है कि 2% कौन से वो लोग थे जो वोट डालने वहाँ पर नहीं गए। आमतौर पर माना जाता है कि जब पोलिंग कम होता है कंपेरेटिवली तो सरकार के खिलाफ आवाज़ कम होती है, एंटी एस्टेशन फैक्टर कम होता है। तो उससे भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे विजय रूपाणी की सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मतदान हुआ है। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। तो चलिए, चुनाव जीतते हुए सीएम विजय रूपाणी यहां पर जरूर नजर आते हैं। जगदीश जी, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम स्लोगन की बात करते हैं तो बीजेपी का स्लोगन हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी का कोई नारा हो, लोगों की जुबान पर किस तरह से चढ़ता है वो किसी से नहीं छिपा। आपको लगता है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी का मैं छू गुजरात, मैं छू विकास का जो ये नारा है वो भी इसी तरह से कामयाब होगा? मोदी का नारा सुपरहिट रहा है, मैं छू गुजरात, मैं हूं विकास, मैं हूं मर्यादा, मैं हूं अस्मिता, सुपरहिट नारा रहा है। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अभी हेडलाइन बनाई थी 4 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि मैंने चाय बेची है, देश को नहीं बेचा है। और अभी उठा के वो असलम और किन किन मुद्दों को उठा के ले आए, फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उन्होंने उठा दिया है। तो नारे घड़ने में, नारों को बोलने में और उन्हें एनकैश कर नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल ने उन्हें चुनौती दी है नारों के सेक्टर में भी। वो नारा लाए थे गब्बर सिंह टैक्स का, वो नारा हिट हुआ उनका। फिर एक दिन उन्होंने टोपी पहन ली, उसे लिख दिया मैं मूर्ख हूँ गुजराती, कि मैं छू गुजराती लेकिन मैं मूर्ख गुजराती हूँ, अर्थात सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए फिर भी मैं उस सरकार को वोट देने जा रहा हूँ। और अभी लेटेस्ट उन्होंने फिर कोई नया नारा निकाल दिया है, अब एक नारा कांग्रेस का हिट वहाँ हो रहा है कि कांग्रेस आवेश है। तो नारों की राजनीति है, नरेंद्र मोदी इसके मास्टर रहे हैं, लेकिन ये कला गुजरात में हार्दिक पटेल और कांग्रेस ने उनसे सीखी है। और इस समय कहा जाए कुल मिला के तो शायद कांग्रेस और हार्दिक पटेल के लोग नारे घड़ने में, नारे बनाने में नरेंद्र मोदी से थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। तो नारों की राजनीति को यहाँ पर आपने समझाया। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों का हुजूम किस तरह से उमड़ पड़ता है, लेकिन इस बार जब हमने देखा है तो पहले के मुकाबले, या फिर ये कहिए कि जो उम्मीदें यहाँ पर की गई थी सभाओं में वो थोड़ी कम भीड़ के तौर पर नजर आई, लगता है इसके पीछे खराब मौसम जिम्मेदार रहा, या फिर आप ये मानते हैं कि जो लोगों का मोह है वो जरा भंग हो रहा है? निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, थोड़ी सी लोकप्रियता भी गिरी है, उसके कई कारण हो सकते हैं। और गुजरात में खासकर 22 साल से भाजपा का राज है, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों का होना। लेकिन इतना ग्राफ नहीं गिरा है कि वो चुनाव हार जाएं, जिसे कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता घटी है, भीड़ कम आई है। और एक खास बात ये हुई पिछले दिनों कि भड़ोच में वो जो गए थे सभा करने, वहाँ काफ़ी कुर्सियाँ खाली थी। एक न्यूज़ चैनल ने उस खाली कुर्सियों को दिखाया, जिससे भाजपा में भी चिंता हुई। दूसरी तरफ जो है, सूरत में जब हार्दिक पटेल गए तो 1.5 लाख लोग जो हैं उनके सभा को सुनने आए। इससे थोड़ा तुलना हुई स्पेसिफिक सेक्टर में, एक स्पेसिफिक मुद्दा बना के, और ऐसा लगा कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है। तो निश्चित तौर पर भीड़ कुछ कम आ रही है, लेकिन उस कम भीड़ आने का कितना असर है इसका सही आकलन अभी नहीं किया जा सकता। तो भीड़ थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन सही आकलन फिलहाल अभी नहीं किया जा सकता है। जगदीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तस्वीर जो खूब चर्चाओं पर रही, जिसे लेकर काफी वाद विवाद भी सामने आया, सोमनाथ मंदिर रजिस्टर में जिस तरह से राहुल गांधी की गैर हिंदू एंट्री को लेकर जो विवाद हुआ, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि यह सचमुच स्तरहीन राजनीति है? निश्चित तौर पर स्तरहीन राजनीति दोनों पार्टियों के पक्ष में। दिस वॉज रियली अनफॉर्चुनेट। पहली बात ये थी कि गुजरात के 6.5 करोड़ जनता का अपमान था जब किसी ने इस मुद्दे को उठाया कि हिंदू हैं,
कि गैर हिंदू हैं, एंट्री है कि नहीं है, उससे बड़ी गलती फिर कांग्रेस ने की। उन्होंने जनेऊ के साथ राहुल गांधी का चित्र सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पे और ये कहा कि हम जनेऊ धारू हैं, तो इसका मतलब ये कि जनेऊ दिखाओ और वोट लेके जाओ। रियली वेरी अनफॉर्चुनेट एपिसोड ऑन बोथ द पार्टीज, कांग्रेस भी बीजेपी दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आने वाले पॉलिटिकल घटनाक्रम में कम से कम ऐसी घटनाएं देश में नहीं होंगी। यदि जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है, जब जब चुनाव करीब आते रहे या चुनावी माहौल बनता रहा है ये मुद्दा गर्माता रहा है और इस पर वाद विवाद भी लगातार देखने को मिलता रहा है। आपको भी लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से छा चुका है? इस चुनाव में न राम मंदिर मुद्दा है, न बाबरी मस्जिद है, न योगी है, न कोई और रिलीजियस है, ध्रुवीकरण इस बार हुआ नहीं है। इस बार मुद्दे हैं स्थानीय। कांग्रेस और हार्दिक पटेल ने कोशिश की कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, आरक्षण के मुद्दे पे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन भाजपा की कोशिश रही है कि नहीं, नरेंद्र मोदी को सामने रख के चुनाव लड़ा जाए, नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल। और जैसे नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल करते हैं वहाँ वर्सेज ऑल हार जाते हैं, नरेंद्र मोदी जीतते हैं। तो उनका इस तरह का यह प्रयास रहा है और इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है ये आने वाले दिनों में, खासकर दूसरे चरण में और उसके बाद जो मतगणना होगी उस दिन इसका एहसास होगा हम सब लोगों को। तो दूसरे चरण का इंतजार यहाँ पर करना होगा जो कि 14 दिसंबर को होगा और साथ ही 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी जिससे नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच यहाँ पर यह सवाल भी उठता है जगदीश जी, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कि बेहद गंभीर तौर पर सामने आया और जिस पर मोदी सरकार का एक स्पष्ट रुख भी देखने को मिला। आपको लगता है कि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताएं जो हैं, खासतौर से महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, तो कितना असर आपको दिखाई देता है ट्रिपल तलाक के मुद्दे का? इसका अच्छा असर, सब्सटेंशियल असर देखने को मिलेगा। यूपी में देखा मैंने, मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। यहाँ भी कई मुस्लिम महिलाओं को मैंने भाजपा का प्रचार करते अहमदाबाद में देखा पिछले दिनों। तो निश्चित तौर पे फायदा होगा, उसकी मात्रा का क्वांटम का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन सब्सटेंशियल फायदा भाजपा को होगा। और जो महिलाएँ हैं मुस्लिम समाज में, वो एक रीजनेबल संख्या में कहें कि भाजपा को उन्होंने वोट आज दिया होगा या वोट देंगी, तो एक बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल सकता है। जगदीश जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए सामने, बीजेपी को बम्पर शानदार जीत मिली। आपको लगता है कि जब गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आएंगे 18 दिसंबर को, तो जो नतीजे हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिले हैं उसका असर भी इन नतीजों पर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर पिछले 8-10 दिन में यूपी के चुनाव परिणामों का गुजरात में असर हुआ है, यह बात दूसरी है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह मार्केटिंग के मास्टर हैं, उनको आप मैच नहीं कर सकते। यूपी में भाजपा नगर निगम में बेसिकली जीती है, नीचे स्थानीय निकायों में उसकी जीत का प्रतिशत उतना नहीं है जितना दिखाया गया है। लेकिन मीडिया का प्रचार ऐसा हुआ, सारे देश में ऐसा लगा कि योगी ने 2014 का इतिहास फिर से वहाँ दोहरा दिया है। तो निश्चित एक बात है कि वहाँ के जो चुनाव परिणाम थे और जिस ढंग से भाजपा ने उसको भुनाया गुजरात में, उसका लाभ गुजरात में भाजपा को मिलना तय है। तो यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो नतीजे सामने आए यूपी निकाय चुनाव को लेकर, उसके नतीजों का असर गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम माहौल की बात करते हैं गुजरात चुनाव को लेकर, जगदीश जी, आपको लगता है कि सचमुच सबसे महंगे माहौल में इस बार गुजरात चुनाव हो रहा है? निश्चित तौर पर गुजरात चुनाव ने चुनावी खर्चों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा ने जब यह कहा कि 50,000 बूथ को मैनेज करेंगे, वहां पे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, उन्हें आने जाने का होगा, फिर लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके जाएंगे, तो खर्चा तो लगता है, पैसे तो हैं। मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा कि सूरत में एक रैली हुई, एक पार्टी ने रैली करी, तो 45 करोड़ का खर्चा उस रोड शो पे हुआ। तो आम लोगों का और सभी चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 25 वर्षों के इतिहास में और खासतौर पर पिछले 22 वर्षों के गुजरात के इतिहास में, इस बार का जो चुनाव है गुजरात का, वो सबसे महंगा चुनाव है। इस बार का चुनाव सबसे महंगा चुनाव देखते हैं जगदीश जी। इसके अलावा जगदीश जी, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी जनसभाएं की, ताबड़तोड़ रैलियां भी यहां पर कही, लेकिन एक जो उनका शब्द यहां पर बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहां आपसे विश्लेषण के तौर पर जानना चाहेंगे, क्या मोदी को चुनाव में हार जाने की आशंका है? देखिए, मोदी के बारे में एक बात साफ है, उन्हें जनता के नब्ज का पता रहता है, उनके अपने सोर्सेज हैं, वो सबके सामने नए कहेंगे लेकिन अंदर से वो सब जानते हैं क्या होने वाला है। आज जो पहले चरण का मतदान हुआ है, मेरा निश्चित मानना है कि नरेंद्र मोदी को सही स्थिति की जानकारी होगी और इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें लगा पिछले दिनों का माहौल देख के कि गुजरात में पार्टी चुनाव हार सकती है या 117 से नीचे जा सकती है, 150 की तो बात छोड़िए।
तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। उनके मन में आशंका आई तो उस आशंका को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बड़े फैसले लिए हैं, माफिया प्रभावित हुए हैं, करप्ट लोग प्रभावित हुए हैं, मेरी सरकार का तख्ता पलट सकते हैं, चुनाव हरवा सकते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा स्वाभाविक तौर पर, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कहीं ना कहीं चुनाव हारने का डर जरूर था जब उन्होंने बात कही, और कहीं नहीं उसे बार बार दोहराया भी सही उन्होंने। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और जाहिर सी बात है सियासी रंग पल पल में बदलते हुए भी नजर आते हैं। अब जरा पीएम मोदी और अमित शाह से हटकर हम राहुल गांधी का यहां पर अगर जिक्र करें तो आपको लगता है जगदीश जी, अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो एक अलग व्यक्तित्व राहुल गांधी का सामने आया, क्या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के अच्छे दिन आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर अब उभर रहे हैं? राहुल गांधी के अच्छे दिन आ रहे हैं नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि इस चुनाव ने उनको एक लीडर बना दिया, एक नेता बना दिया है। उनका जो फ्लॉप इलेक्शन का जो रिकॉर्ड था पुराना, उसको गुजरात ने धो दिया है, और यही कारण है कि जब लोग गुजरात में राहुल गांधी से, कांग्रेस से लोग मिलने जाते हैं तो एक ही बात उनसे कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, सामने वाले धमका रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, डोंट वरी। जनता में एक अंडर करंट है मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, हम सरकार बनाएंगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव में चाहे कांग्रेस जीते या हारे, पर इस चुनाव की एक देन जरूर है कांग्रेस को कि उसने राहुल गांधी को एक नेता के रूप में, एक एग्रेसिव लीडर के रूप में जरूर एस्टेब्लिश किया है कहीं ना कहीं। चलिए, एक बड़ा फायदा यहां पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर नजर आता है। लेकिन इस बीच जगदीश जी, कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नामांकन हुआ, एक बड़ी तस्वीर यहां पर सामने आई, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो मौजूदगी नहीं रही, उससे कई बड़े सवाल खड़े हुए। इसके पीछे आप कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति मानते हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस की रणनीति रही है इसके पीछे, वो राहुल को इंडिपेंडेंट नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि अपने बूते अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, और उन्हें विश्वास है कि गुजरात में राहुल ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, उन्हें किसी के सहारे की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है सोनिया गांधी के, तो सोनिया गांधी इसलिए उसे एसोसिएट नहीं हुई। जहां तक प्रियंका का सवाल है, उनकी शैडो में राहुल गांधी ओवर शैडो हो जाते हैं कई बार, तो उन्हें भी इस चुनाव से दूर रखा गया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब उनका नामांकन हुआ अध्यक्ष का, तो उन्हें आशीर्वाद किसने दिया? प्रणब मुखर्जी ने, मनमोहन सिंह ने, न कि सोनिया गांधी और न कि प्रियंका गांधी ने। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, एंड एवरी पार्टी हैज ए स्ट्रैटेजी ऑफ इट्स ऑन, और ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां जाती है तो लोग वाड्रा का मुद्दा उठाते, सोनिया गांधी जाती है तो मौत के सौदागर का पुराना नारा का मुद्दा लोग वहां उठाते। कुल मिला के कांग्रेस के हिसाब से ठीक हुआ है कि ये लोग गुजरात नहीं गए, और राहुल गांधी पर उन्होंने छोड़ा जो कुछ भी है, इससे राहुल गांधी को अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने में जरूर वहां मदद मिली है। तो एक मदद यहां पर जरूर मिली है, और ये भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा लगता है। यहां पर जगदीश जी, क्यों आपको लगता है कि एन वक्त पर, चुनाव के ठीक एक दिन पहले, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होता है? आपको लगता है कि गुजरात बीजेपी की ये कूटनीतिक हार के तौर पर आप इसे देखते हैं? इट वॉज ए नेशनल ट्रेजेडी फॉर बीजेपी, एक राष्ट्रीय अपमान, ह्यूमिलेशन बीजेपी के लिए हुआ। कोई व्यक्ति बीजेपी में आज यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। चुनाव से ठीक 12 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, चाहे इसके कोई भी कारण दीजिए। एक पक्ष ने कहा कि हमने इसलिए डिले किया क्योंकि 22 साल से हम सत्ता में हैं, हम क्या घोषणा करते, सड़क बिजली पानी हम सब कर चुके हैं, किसान खुशहाल है, क्या नया घोषणा करते, ये सब बातें फालतू हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है भाजपा की गुजरात में, इससे गलत मैसेज गया है, और सारी जो स्ट्रैटेजी अमित शाह और सब लोग बनाते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना से उसमें कुछ न कुछ चूक जरूर हुई है। उल्टे हार्दिक पटेल को यह ट्वीट करने का मौका मिला कि मेरी सीडी बनाने से फुर्सत नहीं थी, इनको टाइम नहीं मिला, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भाजपा की इतिहास में रहा। और मुझे हैरानी है कि इसमें भूपेंद्र यादव जैसे लोग, रामलाल जैसे लोग, जो हमेशा अमित शाह के साये में उनके साथ रहते हैं, किसी ने एडवाइस नहीं किया, किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं है। कुल मिला के ये सारी जो इसकी स्ट्रैटेजी है, भाजपा की जो रणनीति है, उसमें बड़ा एक मेजर फेलियर रहा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, संकल्प पत्र को लेकर तमाम सवाल भी यहां पर लगातार खड़े होते रहे हैं। जगदीश जी, यहां पर ये भी जानना चाहेंगे, अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर किया था, और फिर आखिर क्यों ठंडा पड़ गया ये पूरा मामला? ये चर्चा जरूर हुई थी, न्यूज चैनल्स पे खबर चली थी, लेकिन जितनी तेजी से चली उतनी तेजी से खबर लूप भी हो गई। ऐसा लगा शायद खबर में दम नहीं था, फैक्चुअली शायद वो करेक्ट नहीं थी, इसलिए न तो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया ऐसे, न हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों ने इसको मुद्दा बनाया, और इसकी नेचुरल डेथ इस बात की अपने आप ही हो गई। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरिट नहीं थी उसमें, इसलिए मुद्दा ये बात नहीं बन सकी।
जगदीश, ये तो बात जो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं जिसकी एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली, लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या कुछ लगता है गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में और इस चुनाव में कोई खास फर्क आपको नजर आता है? ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले 22 सालों में पहली बार आपको लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिल रही है। निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि गुजरात में इस बार चुनाव का माहौल है, वन वे नहीं है। इससे पहले जितने चुनाव हुए नरेंद्र मोदी के टाइम में केवल मोदी रहते थे, आज भी हालांकि मोदी हैं, इनके सामने मोदी का चेहरा है, ये चुनाव मोदी ही लड़ रहे हैं। आप यूं मानिए एक प्रकार से चुनाव मोदी पे रेफरेंडम है, उन्हीं पे मतदान है। अगर चुनाव हारती है बीजेपी तो मोदी की हार है, चुनाव जीतती है बीजेपी तो मोदी की जीत है। तो निश्चित तौर पर रेफरेंडम ये नरेंद्र मोदी पे है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते आप। जगदीश जी, हम जब भी पीएम मोदी को सुनते हैं तो यूथ जो है वो हमेशा उनका केंद्र रहता है, उनके ऊपर जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं, देश का भविष्य सीधे तौर पर कहते हैं। आपको लगता है कि पहले चरण के चुनाव में यूथ का मूड आप किस तरह से देखते हैं, या फिर सचमुच आपको लगता है कि मोदी और हिंदुत्व से उनका मोह भंग हो गया है? ये सही है कि हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व का झंडा, राम मंदिर का झंडा यूथ ने उठाया था, और यूथ में सबसे लोकप्रिय नेता थे पूरे देश में, न केवल गुजरात में, नरेंद्र मोदी। आज उनकी उस लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी जरूर आई है कहीं न कहीं। और जहां तक गुजरात का सवाल है, वो मंदिर में आस्था रखने वाला यूथ आज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, आज वो रेजर्वेशन की बात कर रहा है, तो इमोशनली वो कैरिड अवे नहीं हो पा रहा। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही है। नरेंद्र मोदी का आकर्षण यूथ में घटा है, यूथ बड़ी संख्या में है, 28 साल तक के कोई 28% लोग जो हैं वहाँ पे हैं, और कुल मिला के देखें तो 1.25 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पे यूथ कैटेगरी में है, उनमें नाराजगी है। और आज भी लोगों ने कहा कि यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान किया है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो समर्थन यूथ से 2014 में था, 2012 में था, उसमें आज कटौती हुई है। कितनी कटौती हुई है इसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। जगदीश जी, यहाँ पर शंकर सिंह वाघेला की अगर बात करें तो बीजेपी के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर भी रह चुका है, क्या आपको लगता है कि शंकर सिंह वाघेला फैक्टर का असर आप इस चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? इस चुनाव में शंकर सिंह वाघेला फैक्टर मुझे इरेलेवेंट लगता है। 76 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े कर दिए किंग मेकर के रोल में आने के लिए, कांग्रेस के वोट्स को डैमेज करने के लिए, कांग्रेस को अपमानित करने के लिए, लेकिन इसमें टक्कर जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस प्लस हार्दिक पटेल इन लोगों में है। शंकर सिंह वाघेला उसे मुझे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं नुकसान होगा तो होगा, बाकी लगता है उनका दाव फेल हुआ। अलबत्ता बात दूसरी है कि वो भाजपा के नज़दीक आए, उनके एक दो मुकदमे हैं, उनमें ज़रा हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, उनके लड़के का पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के जो कहते थे बापू की कि इनकी ऐसी स्थिति है कि ये प्रभावित करते हैं नॉर्थ गुजरात में, वो आज स्थिति इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि शंकर सिंह वाघेला कोई बड़े फैक्टर के रूप में उभरेंगे या उनका कोई इम्पैक्ट चुनाव परिणाम में पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए, शंकर सिंह वाघेला फैक्टर का बहुत ज्यादा असर यहां पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम ईवीएम वोटिंग मशीनों की तरफ भी रुख करते हैं, कांग्रेस काफी फिक्रमंद नजर आ रही है इसे लेकर, आपको लगता है कि इस मुद्दे का कभी कोई सर्वमान्य राजनीतिक हल निकल पाएगा? कांग्रेस के मन में एक फोबिया बैठ गया है कि ये नरेंद्र मोदी अमित शाह इसमें गड़बड़ करते हैं। चुनाव आयोग ने खंडन किया है, एक्सपर्ट एजेंसीज ने कहा है, ब्यूरोक्रेसी ने कहा है, मशीनरी ने कहा है गवर्नमेंट ने कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में शंका बनी हुई है। आनंद शर्मा ने कहा अभी कि जहां मत पेटियां रखी जाएंगी वहां के जो बाहर हैं मोबाइल वो जैमर लगा दी ताकि गड़बड़ नहीं हो सके, ऐसा संभव नहीं है। और रही बात सर्वमान्य सहमति की, तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, सभी पार्टियों को बैठ के एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे में विश्वास क्रिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए, और इसमें आम सहमति बनना जरूरी है, ताकि एक जो मूल प्रश्न लगा दिया, कभी ममता बनर्जी कहती हैं, कभी मायावती कहती हैं, कभी अखिलेश यादव कहते हैं, कभी कांग्रेस कहती है, ये सब नहीं होना चाहिए। इस पर आम सहमति देश में जरूर बननी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव आस्पेक्ट है काउंटिंग का, और आम सहमति का बनना इस पे जरूरी है। बिल्कुल, आम सहमति बननी यहाँ पर जरूरी भी है, क्योंकि जब भी नतीजे यहाँ पर सामने आते हैं तो उसके बाद गड़बड़ी का आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आती है। जगदीश जी, अगर हम आपसे कहें कि एक लाइन में सारे चुनावी विश्लेषण का सार देने को, तो आप जी मीडिया के करोड़ों दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे? एक लाइन में सारे विश्लेषण का सार ये है कि बीजेपी कैन नॉट टेक गुजरात फॉर ग्रांटेड नाउ एट दिस मोमेंट, बस ये एक लाइन का मैसेज है। वो चुनाव जीतें या हारें, बट यू कैन नॉट टेक गुजरातीज नाउ फॉर गारंटेड एट दिस मोमेंट, ये एक लाइन का मैसेज इस आकलन का है।
बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे बातचीत करने के लिए और चुनावी विश्लेषण को यहां पर बखूबी सटीक तौर से रखने के लिए। तो आज डायलॉग विद जेसी में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।